हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ धनंजय चौहान। और आज की क्लास में, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम एग्जाम में कॉपी लिखें। तो आज के जो वीडियो है, इसमें मैं एक टॉपर की आपके सामने कॉपी लाया हूं। पिछले साल हमारे इंस्टीट्यूट में वो स्टूडेंट था, काफी अच्छा पढ़ता था, हरिओम सोंधिया। उसकी कॉपी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हमें आंसर राइटिंग करना है, जिससे हमें मैक्सिमम मार्क्स जो है एग्जाम में प्राप्त हो सके, क्योंकि ये हमारी बोर्ड एग्जाम है। आपकी सभी की 17 फरवरी से बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रही है, 10th क्लास के 18 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। और बोर्ड एग्जाम में हमारे आंसर राइटिंग जो होती है वो बहुत ही मोस्ट होती है, क्योंकि नॉर्मल एग्जाम जो होते हैं, लोकल एग्जाम्स होते हैं, और बोर्ड एग्जाम्स में मेन डिफरेंस ये है कि जो लोकल एग्जाम्स होते हैं उनमें जो टीचर हमें पढ़ाते हैं वही हमारी कॉपी चेक करते हैं, और उन्हें एक्चुअली हमारे बारे में पहले से मालूम होता है कि कौन सा स्टूडेंट अच्छा पढ़ता है और कौन सा स्टूडेंट वीक पढ़ता है। जबकि बोर्ड एग्जाम में इनफैक्ट जो टीचर हमारी कॉपी चेक करते हैं, जो इवेल्यूटर होते हैं, उन्हें यह भी नहीं मालूम होता है कि वो कौन से डिस्ट्रिक्ट की कॉपी चेक कर रहे हैं। तो वहां पे हमारी कॉपी ही जो होती है वो सब कुछ बताती है उनको कि हम पढ़ने वाले बच्चे हैं या ना पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो हमारी कॉपी बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से लिखी होना चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक यही होगा कि हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम, है ना, किस प्रकार से हम अधिक से अधिक बोर्ड एग्जाम में अच्छी कॉपी लिखकर अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आंसर राइटिंग के ऊपर मैं पूरी आपकी क्लास लेने वाला हूँ, ज्यादा समय अपन इस पर खराब नहीं करते हैं, और मैं सीधे पॉइंट टू पॉइंट आपको बात बताता हूँ। तो हमें करना क्या है, मैंने एक टॉपर स्टूडेंट की कॉपी ले रखी है जो कि आपको इस प्रकार से स्क्रीन पर दिख रही होगी। ये बोर्ड कॉपी की सैंपल कॉपी है, मतलब ये बोर्ड की कॉपी नहीं है, सेम टू सेम इसी प्रकार की बोर्ड की कॉपी, इतनी ही आपको बड़ी बोर्ड की कॉपी मिलेगी और इसी प्रकार से वो पूरी की पूरी होगी, तो उसका ये सैंपल है। तो हमें करना क्या है, आपको जब आप एग्जाम में जाते हैं, एग्जाम हॉल में जाते हैं, तो आपको जो वहां पर जिनकी भी ड्यूटी होती है वो आपको 10 मिनट पहले जो है कॉपी दे देते हैं। तो वो 10 मिनट पहले कॉपी देते हैं, तो आपको समय खराब नहीं करना है एग्जाम में। जैसे ही आपको कॉपी मिलती है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ऊपर ये इन्फॉर्मेशन दी गई होती है, ये इन्फॉर्मेशन उसमें प्रॉपर तरीके से फिल कर लेना है। जैसे इसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, तो इसमें आपके एग्जाम का नाम होता है, आपका रोल नंबर होता है, आपका सब्जेक्ट कोड होता है, कौन से सब्जेक्ट का पेपर है उसका क्वेश्चन पेपर का टाइटल होता है, कौन से क्वेश्चन, कौन से रूम नंबर में आपकी जो है सीटिंग अरेंजमेंट है उस रूम का नंबर होता है, इसके बाद में रोल नंबर आपके डिजिट में भी होते हैं, और एज वेल एज इसके साथ ही आपके आपको जो है डिजिट के साथ साथ वर्ड्स में भी आपको लिखने होते हैं, फिगर्स और वर्ड्स दोनों में ही आपको लिखने होते हैं। तो आपको जैसे ही कॉपी मिले तो स्टार्टिंग के जो 10 मिनट होते हैं, तो सबसे पहले आपको ऊपर की जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल करके फ्री हो जाना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, मैं ऐसे देखता हूँ, हमारी खुद की एग्जाम में ड्यूटी लगती है तो हम ऐसे देखते हैं कि वो पूरी कॉपी तो लिख लेते हैं लेकिन जो मेन चीज होती है वही वो अधूरी छोड़ देते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है, सबसे पहले आपको यहाँ की पूरी डिटेल्स जो है सही सही अच्छे से लिखना है, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यदि आपको किसी डिटेल में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वहां पे जिन भी टीचर की ड्यूटी है आप उनसे चीजें क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपके पास में समय बचेगा, नॉर्मल सी बात है 10 मिनट काफी होता है, तो आपको अपने साथ में एक लंबी रूलर ले जाना है, मतलब स्केल ले जाना है, लगभग 1 फीट की, 30 सेंटीमीटर की जो आती है वो वाली, और आपको क्या करना है, इधर मार्जिन छोड़ के यहाँ पर लाइन खींच देना है, और ऐसी एक पेज पे लाइन नहीं छोड़ना है आपको, जितने भी पेज है कॉपी में आखिरी तक, जैसे यहाँ पर, फिर इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, इस प्रकार से सभी पेजेस पे आपको क्या कर लेना है, लाइन खींच लेना है मार्जिन छोड़कर। उससे क्या होगा कि जब आप आंसर राइटिंग करेंगे, जब आपके एग्जाम का प्रॉपर टाइम शुरू हो जाएगा, तो उसमें आपको समय की बचत होगी और लाइन खींचने में आपका समय वेस्ट नहीं होगा, और ये लाइन खींचना बहुत ही जरूरी है। इसके पीछे कारण ये है कि जब आप सप्लीमेंट्री कॉपी लेते हैं, मतलब एक कॉपी आपकी फिल हो जाती है और आप दूसरी कॉपी लेते हैं, तो यहाँ पे इसको या तो बांधना होता है या फिर स्टेपल का रहता है, वो अलग अलग सिस्टम के अकॉर्डिंग रहता है। तो उसमें क्या होता है, कुछ जगह जो होती है कॉपी की वो हमारी दब जाती है, टीचर जब कॉपी चेक करते हैं तो प्रॉपर उनको चेक करने में नहीं आती। जैसे इस कॉपी में आप देख सकते हैं, ये समस्या आपको दिखाई देगी कुछ इस प्रकार से। तो हमको क्या करना है, प्रॉपर यहाँ पे स्पेस छोड़ देना है मार्जिन। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक साइड ही लाइन खींचते हैं, दूसरी साइड नहीं खींचते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको दोनों साइड ही मार्जिन छोड़ना है, आपको इधर भी लाइन खींचना है और पेज के इधर भी आपको लाइन खींचना है। इसी प्रकार से इस बच्चे ने भी, आप देखेंगे इसने भी एक साइड लाइन खींच रखी है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, हमें दोनों साइड लाइन खींचना है, इधर साइड भी खींचना है, इधर साइड भी खींचना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा
कि गलती से आपका पेज वगैरह किसी चीज में आएगा तो वो चीज बच जाएगी, वहां पे आपका आंसर जो होगा वो दबेगा नहीं। इसके बाद में आप क्या करेंगे, आपका कोई सा भी क्वेश्चन पेपर हो, चाहे हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, हिस्ट्री का हो, पॉलिटिकल साइंस का हो, या एग्रीकल्चर ग्रुप से कोई सा भी पेपर हो, आपके सबसे पहले उसमें रहते हैं ऑब्जेक्टिव। तो आपको क्या करना है, जो फर्स्ट पेज है ना, यहीं से प्रॉपर इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है आपके जो एडमिट कार्ड में, फर्स्ट पेज से ही हमें स्टार्ट करना है लिखना। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन की हेडिंग लिखना है। जैसे पहले क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रश्न क्रमांक एक का हल, या फिर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप लिख दोगे सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर वन। जैसे इस बच्चे ने यहाँ पर लिख रखा है, आपको प्रॉपर क्लियर दिख रहा होगा यहाँ की जगह, तो इस प्रकार से हम लिख देंगे प्रश्न क्रमांक एक का हल। यदि हम रिक्त स्थान कर रहे हैं तो हम रिक्त स्थान लिख देंगे, इंग्लिश में है तो हम फिल इन द ब्लैंक्स लिख देंगे, या फिर हम सही जोड़ी बना रहे हैं तो हम सही जोड़ी लिख देंगे। और इसके बाद में हमें क्वेश्चन नोट नहीं करना है, इसके बाद में जो भी उसके अंतर्गत जो आंसर आ रहा है वो आंसर हमें लिखते जाना है 1 2 3 4 5 नंबर डाल के। जैसे सबसे पहले हमने लिखा प्रश्न क्रमांक एक का हल, फिर इसके अंदर हमारे 5 सब पॉइंट है तो हम 1 2 3 4 5 लिख देंगे, और उनका जो भी आंसर है वो हमें क्या कर देना है, लिख देना है। इसके बाद में नीचे यहाँ पर जगह बचती है, जैसे इस बालक ने कुछ भी नहीं लिखा है, यहाँ पर खाली जगह बचती है तो यहाँ पे हमें लिख देना है पीटीओ। पीटीओ का मतलब होता है प्लीज टर्न ओवर, आप पेज पलट दीजिए, या हिंदी में यदि आप लिखते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, कृपया पृष्ठ उल्टे, तो कृप और ऊ करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद में फिर हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पेज में भी हमें यही करना है कुछ इस प्रकार से। हमें जैसे प्रश्न क्रमांक दो कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे हेडिंग लिख देना है प्रश्न क्रमांक दो का उत्तर या प्रश्न क्रमांक दो का हल, फिर उसके सब पॉइंट यहाँ पे हम इस प्रकार से लिखेंगे और जस्ट इनका आंसर हम लिखते जाएंगे। तो हमें क्या करना है, सही विकल्प में भी इस प्रकार से करना है। पहला मान लीजिए पहला आपका क्वेश्चन है तो सही विकल्प का है तो हम लिखेंगे प्रश्न क्रमांक एक का उत्तर, फिर नंबर वन डालेंगे, फिर उसमें ऑप्शन बी सही होगा तो बी लिखेंगे और बी के अंदर जो दिया गया है वो हम उसमें लिखेंगे। इसी प्रकार से उसके बाद का करेंगे, इसी प्रकार से उसके बाद का करेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं रिक्त स्थान की या फिल इन द ब्लैंक्स की, तो वहां पे हमें सीधे आंसर लिखना है, वहां पे कोई ऑप्शन का चांसेस ही नहीं होता है। इसके बाद में नेक्स्ट हम ट्रू फॉल्स की बात करते हैं तो वहां पे भी सीधे उत्तर होते हैं सत्य असत्य में। इसके बाद में एक शब्द या एक वाक्य की बात करें तो वहां पर भी सीधे उत्तर होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सही जोड़ी की। सही जोड़ी का हमें क्या करना है, एक साइड का पूरा कॉलम उतारना है जैसा प्रश्न पत्र में दिया है, और उसके बाद में उसकी जो सही जोड़ी है, जो सही उत्तर है उसका, उसके सामने जस्ट हमें ऐसे जमा जमा के लिखना है। आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा सही जोड़ी, एक तरफ तो बच्चे ने क्या कर रखा है, पूरा कॉलम उतार रखा है, और इसके सामने जो इसका सही उत्तर दे रखा है वो पूरा इसने नोट कर रखा है। तो इसी प्रकार से हमें करना है। इसके बाद में फिर आपके छोटे छोटे प्रश्न स्टार्ट होंगे दो दो नंबर के। प्रश्न उत्तर में हमें क्या करना है, जो उत्तर हमें सबसे अच्छे से आता है ना, मान लीजिए आपको पांचवा उत्तर अच्छे से आता है, पहला दूसरा तीसरा आपको नहीं आता है, तो जरूरत नहीं है पहला दूसरा तीसरा लिखने की। आपको जो आंसर सबसे अच्छे से आता है, बेस्ट से बेस्ट तरीके से आता है, वो आपको सबसे पहले लिखना है। उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कारण क्या है कि मान लो आपको उत्तर याद नहीं है कोई सा और आपने वही पहले लिख दिया तो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा, और स्टार्टिंग के उत्तर वो बहुत ही गौर से पढ़ता है, क्योंकि स्टार्टिंग के उत्तर पढ़ने के बाद में उसे पता चल जाता है कि बच्चा पढ़ने वाला है या नहीं है, तो वो बहुत ही गौर से पढ़ता है। और स्टार्टिंग के उत्तर ही यदि आपने मन से लिख रखे हैं या फिर ये मान लीजिए गलत लिख रखे हैं तो उसके जो माइंड में इमेज बनती है साइकोलॉजिकल, वो आपकी गलत बनती है, वो ऐसी बनती है कि आप सारे आंसर जो दे रहे हैं वो कैसे दे रहे हैं, मन से दे रहे हैं, फिर वो मार्किंग उसके अनुसार ही करेगा। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि पहला जो एग्जामिनर के माइंड पे हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ेगा वही उसके माइंड पे लास्ट इम्प्रेशन होगा। तो सबसे पहले हमें उन प्रश्नों के उत्तर लिखना है जो हमें बहुत अच्छे से क्या होते हैं, आते हैं। उसके बाद में हमें क्या करना है, जब वो उत्तर खत्म हो जाए और उनमें भी क्या करना है, जैसे हम उत्तर लिख रहे हैं तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम प्रश्न क्रमांक पांच का उत्तर लिख रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इस प्रकार से हेडिंग लिख देंगे प्रश्न क्रमांक पांच का उत्तर। इसी प्रकार से यदि हम मान लीजिए इस प्रकार से हम हेडिंग लिख देंगे, इसी प्रकार से यदि हम प्रश्न क्रमांक छह का उत्तर लिख रहे हैं तो हम हेडिंग लिख देंगे प्रश्न क्रमांक छह का उत्तर। अब यदि हमारे पास में समय बचता है, अभी हमें लाइन नहीं खींचना है कुछ भी, हमें सिर्फ लाइन छोड़ देना है, आखिरी में यदि सभी प्रश्न हमारे हल हो जाते हैं
हमारे पास में समय बचता है तो एक बार हमें खुद को अपनी कॉपी चेक करना है, खुद अपने टीचर बन जाना और खुद की मिस्टेक निकालना है। आप याद रखिए, आपकी दो चार मिस्टेक तो आप खुद ही निकाल लेंगे और आपके नंबर जो होंगे वो कटने से बच जाएंगे। उसके बाद में क्या करना है, इस प्रकार से यदि खाली जगह बचती है और आपके पास में एग्जाम में टाइम बचता है तो यहाँ पे हमें स्केल से क्या कर देना है, दो लाइन खींच देना है। और बड़े आंसर आप यदि लिख रहे हैं तो आपको कोशिश करना है कि आप हमेशा नए पेज से स्टार्ट करें, है ना। और यदि मान लीजिए ज्यादा पेज उसमें बच रहा है, छूट रहा है, तो आप पुराने पेज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी कोशिश आप ये कीजिएगा कि नए पेज से आप उत्तर लिखना स्टार्ट करें और हर प्रश्न की अच्छे से हेडिंग लिखें। मान लीजिए जैसे यहाँ पे प्रश्न पूछा प्रकाश के कोई चार गुण लिखिए, तो इसमें बालक ने यहाँ पर लिख रखी हेडिंग प्रकाश के गुण। इस प्रकार से हमें क्या करना है, हेडिंग लिखना है, उसके बाद में उसके हमें पॉइंट लिखना है। तो इसे ही हमें हर प्रश्न को क्या करना है, हल करना है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कौन कौन से पेन का इस्तेमाल करें। तो आप एग्जाम में दो कलर के पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप दो कलर का पेन का इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी अच्छा इफेक्ट पड़ता है। और कौन से दो कलर के पेन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो एक तो आप ब्लू कलर के पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ में आप ब्लैक कलर का पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन गलती से भी आपको रेड या ऑरेंज कलर के पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड में स्पष्ट इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि आपको ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल एग्जाम में करना है। तो आप इन दोनों पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो नॉर्मल क्वेश्चंस की बात हो गई, अब हम बात करते हैं डिफरेंस वाले क्वेश्चन या अंतर वाले क्वेश्चन। क्योंकि कोई भी एग्जाम होता है, चाहे वो टेंथ का एग्जाम हो, चाहे वो ट्वेल्थ का एग्जाम हो, दो या तीन प्रश्न हर सब्जेक्ट में डिफरेंस के ऊपर पूछे जाते हैं या अंतर के ऊपर पूछे जाते हैं। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक हेडिंग डालते हैं, उसको पूरा इलाबोरेट करते हैं, उसको पूरा समझाते हैं, फिर दूसरी हेडिंग डालते हैं, उसको पूरा समझाते हैं। तो हमें ऐसे नहीं करना है। अंतर वाले क्वेश्चन का जो सही लिखने का तरीका होता है वो हमेशा टेबल बना के होता है, और टेबल में भी हम जिसमें भी अंतर लिख रहे हैं उसकी हेडिंग लिखना जरूरी है। बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट आंसर शुरू कर देते हैं, पता ही नहीं चलता है कि बच्चा कर क्या रहा है, कौन सा उत्तर लिख रहा है। तो हमें वो मिस्टेक नहीं करना है। हमें क्या करना है, पहले हेडिंग डालना है। जैसे मान लीजिए हम कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों में अंतर लिख रहे हैं, तो हमें इस प्रकार से हेडिंग डाल देना है, कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिकों में अंतर। फिर एक साइड हम लिख देंगे कार्बनिक यौगिक, फिर दूसरी साइड लिख देंगे अकार्बनिक यौगिक। ऐसे ही आपके मान लीजिए कोई से दूसरा अंतर आपको लिखना है, तो जिसके भी बीच में आप अंतर लिख रहे हैं, मान लीजिए हिस्ट्री में आपका एक क्वेश्चन आता है ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन में अंतर, तो आप यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे डिफरेंस बिटवीन ब्लैक टाउन एंड व्हाइट टाउन। एक तरफ आप लिख देंगे ब्लैक टाउन और एक तरफ लिख देंगे व्हाइट टाउन। इसके बाद में आप 1, 2, 3, 4 डाल के यहाँ पे जो है अंतर आमने सामने आपको लिखना है। जो अंतर इधर लिखा है उसके सामने इधर लिखना है। इधर यदि मान लिया आपकी 3 लाइन आ रही है, इधर आपकी 2 लाइन आ रही है, तो फिर आप जब अगला अंतर शुरू करें तो एक लाइन इधर अपनी इच्छा से क्या करते हैं, छोड़ दें। मतलब अंतर जो होना चाहिए वो आमने सामने होना चाहिए। अंतर का मतलब ये होता है कि एग्जामिनर इधर का पढ़े तो तुरंत इसके साथ में इधर का भी वो क्या कर ले, कंपेरिजन कर ले। तो इस प्रकार से हमें अंतर वाले क्वेश्चन जो है वो सोल्व करना है। तो मैं आपको पूरा बता चुका हूं कि हमें प्रत्येक आंसर की हेडिंग लिखना है, सही से आंसर लिखना है। इसके बाद में हमें क्या करना है, एग्जाम कॉपी में दूर दूर लिखना है, आपकी कॉपी साफ सुथरी दिखाई देना चाहिए। अब यहाँ पे राइटिंग सुधारने का तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि 10-15 दिन में तो आप भी जानते हो कि आपकी राइटिंग सुधरेगी नहीं। जब 12वीं क्लास में आप पहुंच गए और अभी तक राइटिंग नहीं सुधरी, 10-15 दिन में तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, यदि आपकी राइटिंग खराब है तो साफ साफ लिखना है, थोड़ा दूर दूर लिखना है, तो उससे सामने वाले को चीजें जो है वो बहुत ही स्पष्ट समझ में आ जाएगी। किसी क्वेश्चन में यदि आप मान लीजिए परिभाषा लिख रहे हैं, परिभाषा मतलब डेफिनेशन लिख रहे हैं, या किसी चीज को डिफाइन कर रहे हैं, तो वहां पे भी आपको क्या करना है, उसकी हेडिंग लिख देना है और उसके नीचे लाइन खींच देना है। तो उससे पता चल जाएगा सामने वाले को कि आप काय की परिभाषा लिख रहे हैं। तो ये मैंने आपको अंतर वाले क्वेश्चंस का भी बता दिया। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्राम की। तो डायग्राम में आपको क्या करना है, आपको देखना है आपकी ड्रॉइंग वगैरह कैसी है। हो सकता है कि आपका एक डायग्राम का क्वेश्चन हो, उसके और में आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो। यदि आपकी ड्रॉइंग अच्छी है तो आप डायग्राम वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको वही करना है कि एक पेज पे बिल्कुल साफ स्पष्ट पेंसिल से आपको डायग्राम बनाना है, प्रॉपर उसकी लेवलिंग करना है। काय का चित्र बना रखा है उसके नीचे आपको लिखना है, जैसे मान लीजिए आपने श्वसन तंत्र का चित्र बना रखा है, तो नीचे आपको बड़े बड़े अक्षर में हेडिंग लिखना है श्वसन तंत्र का
चित्र। तो इस प्रकार से हमें डायग्राम वाला क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना है और हर पेज पे हमें पीटीओ लिखना है और दोनों साइड ही हमें क्या करना है मार्जिन छोड़ना है। और जब आपका पेपर पूरा समाप्त हो जाए तो आखिरी में आप समाप्त भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में आप लिखना चाहे तो दी एंड भी आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको कॉपी अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से मैनेज करना है क्योंकि आपकी कॉपी से ही सामने वाला वहां पर इम्प्रेस होगा, क्योंकि वो व्यक्तिगत रूप से जो भी इवेल्यूएटर है जो भी मूल्यांकन करेंगे आपका वो व्यक्तिगत रूप से आपको जानते नहीं है। तो आप अच्छे से यदि जमा जमा के लिखेंगे तो आपको मैक्सिमम मार्क्स जो है वो एग्जाम में प्राप्त होंगे। थैंक यू।